सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज रांची में झारखंड बिहार का प्रांतीय संत समागम आयोजित हुआ है। इस मौके पर आप सभी उपस्थित हैं। प्रांतीय समागम पिछली बार 2 साल पहले 2013 में बिहार के पटना शहर में आयोजित हुआ और अब यहाँ रांची में, जहाँ पहले भी ऐसा ही प्रांतीय समागम कुछ बरस पहले आयोजित हो चुका है और काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से यहाँ पर ये संतों का संगम हमें इस विशाल रूप में देखने को मिल रहा है। जहाँ पर आप सभी मिल बैठे हैं मानवीय मूल्यों को और मजबूत करने के लिए, भाईचारे को और मजबूत करने के लिए, इंसान का म्यार जो गिरता चला जा रहा है, इंसान की सोच जो विषैली और लालसाओं से भर चुकी है, जहाँ पर संकीर्णताएँ हैं, जहाँ पर जाति पाति मजहब व मिल्लत की दीवारें खड़ी करके इंसान के हाथों ही इंसान का नुकसान होता चला जा रहा है, तो ऐसे समय में आप भक्तजन एक वही पैगाम जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने युगों युगों से दिया था, उसी को पुनः जीवन में स्थापित करने के लिए यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं, ताकि इंसान का ध्यान इस ओर अग्रसर हो और इंसान विचारे सोचे कि जिस डगर पर वो चल निकला है वो डगर विनाश की डगर है, वो एक पतन और गिरावट की डगर है। रास्ता वही ऊंचाइयों तक ले जाता है जो भक्तों और संतों ने अपनाया और जो औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उसी रास्ते पे चलना है हमने। और जो उस रास्ते पे चलता चला जाता है वो इस धरती को गुलजार बनाता चला जाता है, इस धरती में हरियाली लाता चला जाता है, इस वातावरण को सुगंधित करता चला जाता है जो वातावरण दूषित और विषैला होता चला जा रहा है। तो आज इस संत समागम के अवसर पर आप सभी के इस विशाल रूप में दर्शन हो रहे हैं जो बिहार और झारखंड के शहरों कस्बों गांव से चलकर आए हैं, और आपने उसी श्रद्धा का, उसी भक्ति का, उसी परोपकार के जज्बे का प्रमाण दिया है यहाँ पर उपस्थित होकर। तो यही एक शुभ कामना है कि जिस मनोरथ के लिए, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, ये मकसद की पूर्ति हो, यानी कि इंसानियत मजबूत हो, इंसानी मूल्य मजबूत हों और इस प्रकार से भाईचारा और बढ़ता चला जाए। सत्संग जी धन्य।